सुभाषिश गेम्स खेल रहे हैं, एंग्री बर्ड उनको मिल गए। फ्लाइट से एंड एयरवेज से भयंकर नींद आ रही है। दादी की व्लॉगिंग चल रही है। बिजनेस क्लास है थाई एयरवेज का, बैंगलोर टू बैंकॉक। ब्लैंकेट दे रहे हैं, तेरा फेवरेट। हाँ, ब्लैंकेट। आप कुछ तो बोल रहे थे ये फ्लाइट का, कहीं तो घुमा। ये वही सेम है, ये वाला है या ये कौन सा वाला है पता नहीं, बट इनका एक 2-3 साल पहले एक फ्लाइट गिर गया था कहीं। गिर गया था, घूम गया था वो लाखों। मिसिंग था मतलब, तो कहीं गिरा होगा ना, कहाँ जाएगा साथ लेने वालों को। एक बजा हुआ है रात की और हमको पूछ रहे कि 3 टाइप के खाना मिलेंगे, थाई, इंडियन, चाइनीज, आपको क्या खाना है बताओ। रात को 1 बजे कौन खाता है भाई, तुम खाओगे कुछ? इधर देखो, इधर ये इधर है कैमरा, अब इधर कहीं देख रहे, तुम खाओगे कुछ? मतलब इंडिया वाला फील नहीं आता ना, खाना पीना पैसा उठाने वाला नहीं हो पाता। रात 1 बजे कौन खाएगा भाई थाई चाइनीज जो क्या क्या। लोकल टाइम 12:48 माइल्स, 2000 किलोमीटर जाएंगे अभी हम लोग। और कुछ नहीं, बस यही दिखा रहा है। तुम्हारा कुछ दिखा रहा है क्या? सेम ये कैमरा दिख गया। बोर्डिंग कंप्लीट। बोर्डिंग कंप्लीट हो गया, देख देख देख। हाँ अरे बड़ा तो हो जाए स्टे ऐसे। ये टेल में लगा है, टेल में लगा है, मस्त दिख रहा है ना। मैंने पैसा नहीं दिया क्या, मेरा नहीं दिखा रहा। लाइट्स ऑफ हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा और मैं वेट करूँ कब पूरा बंद हो बोर्डिंग हो और मैं पूरा सो जाऊँ। वेट करते रहो, भयंकर नींद आ रही है। दादी की व्लॉगिंग चल रही है। उसके पीछे वाला बटन लिखा है ना, ये पीछे वाला चला जाएगा पीछे, मतलब तुम सो सकते हो। और उसके बाद में क्या है? इसके बाद का लैम्बर सपोर्ट होगा, लैम्बर सपोर्ट आई गेस पता नहीं। और इसे ये दबाने से तुम्हारा सीट एक थाईलैंड पहुंच जाएगा। ये आपका सीट है? ये मेरा सीट है। इसके अंदर से कुछ चाहिए आपको? नहीं। पक्का? चल। रख दूँ ऊपर ना? ये भी। ऊपर रखाऊँ? हाँ। मेरे मुंडे के ऊपर मत रखो। मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे सुभाषिश। इस बार कुछ अलग टाइप का सेटिंग किया है हम लोगों ने। बीच के 2 सीट नहीं लेके ऐसे साइड साइड में किया। हाय पापा। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। करो करो। ये भाग भाग के बोर्डिंग किया है, सुभाषिश का लास्ट मोमेंट में वीडियो हुआ, अभी भी स्टिल अपलोड चल रहा है। स्पेस ये कंट्रोल टाइप का है जो यहाँ से आता है, एंड देन ये कंट्रोल्स है सीट के लिए एंड रीडिंग लाइट एंड ऑल। अगेन ये एक छोटा सा कैबिनेट है जिसके अंदर ईयरफोन और ये पाउच था, एंड जनरली ये पाउच में टूथब्रश, माउथ वॉश एंड ऑल जनरल चीज़ें, ईयर प्लग्स, ये सब चीज़ें होती है। ट्रे है फॉर द फूड, गेम्स जो हर जगह नहीं होता, जो सुभाषिश अभी खेल रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस क्लास ट्रैवल विद एथी स्पेसिफिक और थाई एयरवेज। तो ये वीडियो जो है एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, जिसमें आई विल टॉक अबाउट ऑल द हमारा एक्सपीरियंस था एंड यू नो फंक्शंस जो होते हैं, कैसा प्रोसेस होता है, एवरीथिंग टुगेदर। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है वो है बोर्डिंग टू द फ्लाइट और चेक इन। तो अगर इन जनरल बात करें ट्रैवलिंग टू बिजनेस क्लास, डिस्पाइट आप जो भी एयरवेज इसके साथ फ्लाइट बुक कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस क्लास होता है, के लिए चेक इन हो या फिर बोर्डिंग हो, इसके लिए एक सेपरेट क्यू होती है। तो यू डोंट हैव टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू। आपको डायरेक्टली, जनरली बिजनेस क्लास में लोग ही कम होते हैं, सीट्स भी कभी कभी फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं होती, डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड पीपल व्हाट दे आर प्रेफरिंग। तो अगर बिजनेस क्लास है तो जनरली आपको छोटा क्यू मिलेगा एंड बहुत जल्दी से आपका चेक इन हो जाता है, आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है एंड यू नो क्विकली आप सिक्योरिटी फिनिश करके एंड देन यू कैन गो टू द बोर्डिंग। बोर्डिंग के लिए भी अगेन सेपरेट क्यू होता है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इवन सेपरेट गेट एंट्री होता है फॉर दोज हु आर ट्रैवलिंग टू फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास। सो इट बिकम्स वेरी इजी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट और जो आ जाता है एमिनिटीज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कैथे स्पेसिफिक, हमारा जो रिसेंट ट्रैवल था हांगकांग के लिए, वहाँ पे हमने कैथे स्पेसिफिक प्रेफर किया था। एंड अगर मैं बात करूँ उन लोगों के एमिनिटीज की, तो वहाँ पे एक सेपरेट सॉकेट मिल जाता है, ट्रे होता है जो फूड के लिए, यू नो यू कैन एक्सटेंड इट एंड देन वो क्लोज हो जाता है, एंड देन लाइट फॉर रीडिंग, स्लीपर्स, ब्लैंकेट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अगेन थाई एयरवेज में भी हमको सेम प्रोवाइड की थी। दोनों में सेम ही था, बट जस्ट डिफरेंस इतना होता है कि डिपेंड करता है आई थिंक आपका डिस्टेंस कितना है एंड आप कितने आवर्स का ट्रैवल ले रहे हो। हमने जो थाई एयरवेज ट्रैवल किया था वो था थाईलैंड के लिए, तो जनरली डिस्टेंस कम था। वहाँ पे उन्होंने हमको एमिनिटीज में वो जो है ना एक पाउच जिसमें टूथब्रश, माउथ वॉश एंड स्लीपिंग मास्क, ये सब प्रोवाइड नहीं किया था। बट मुझे लगता है क्योंकि कैथे स्पेसिफिक का डिस्टेंस ज़्यादा था एंड यू नो आवर्स भी ज़्यादा थे, तो इसीलिए वो पाउच वॉज एक्स्ट्रा एंड विच वॉज अ गुड थिंग। यू नो कभी कभी हम ईयरप्लग्स एंड ऑल खुद से कैरी नहीं करते हैं, तो वो अगर प्रोवाइड कर दिया जाता एटलीस्ट कान का दुखना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। देन इफ वी टॉक अबाउट द एमिनिटीज, देन डेफिनेटली कैथे स्पेसिफिक में बेटर चीजें प्रोवाइड की गई थी एंड ज्यादा भी की गई थी एंड इवन द स्टाफ वॉज वेरी गुड। वन थिंग न्यू विच वी नोटिस इन कैथे स्पेसिफिक वॉज एंड जो मिसिंग था थाई एयरवेज में, वो था कि यू नो जो आपका एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन में आपको जनरली मूवी, सॉन्ग्स एंड ये सब प्रोवाइडेड होते हैं, ऑडियो बुक्स, ये सब जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, सो आपका टाइम पास हो जाए। तो कैथे स्पेसिफिक था, उसमें हमको गेम्स का सेक्शन भी था, तो एंग्री बर्ड्स एंड ऑल, वैसे दो तीन गेम्स थे एंड वो काफ़ी इजिली पूरा टाइम पास हो जा रहा था। सुभाषी बहुत टाइम तक उन्होंने खेला है, जनरली बोर हो जाता है, मूवीज भी आप कितने देखोगे, क्या करोगे। आई थिंक दैट गेम सेक्शन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन कैथे स्पेसिफिक, बट थाई एयरवेज में मूवी का सिलेक्शन बहुत अच्छा था एंड आई थिंक ऑडियो बुक का ऑप्शन नहीं था इन जनरल। हाँ, गेम्स पार्ट वॉज मिसिंग। इस टर्म्स में कैथे स्पेसिफिक वॉज बेटर। एक चीज मैंने जो कैथे स्पेसिफिक में नोटिस किया वो ये था, आई डोंट नो ये बस मेरी सीट में हो रहा था या क्या था, वहाँ पे एक बटन था जिससे यू नो व्हेन यू पुश तो वो स्क्रीन था वो टिल्ट होके बाहर आता था। वो इसीलिए था क्योंकि उनकी सिटिंग स्ट्रेट नहीं था, टेढ़ा था, तो उसके लिए उन्होंने वो बटन रखा था, सो दैट जब आप सो रहे हो तो वो स्क्रीन आपके फ्रंट में फेसिंग हो। तो वो बटन को पुश जब मैं कर रही थी तो वो ओपन ही नहीं हो रही थी, इवन जो हैंड रेस्ट था उसके लिए आई वॉज प्रेसिंग द बटन, इट वॉज नॉट ओपनिंग। तो मैंने जो उनका स्टाफ था उनको बोला एंड देन ही हेल्प मी वो स्क्रीन के लिए एंड ऑल। ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा, बट थाई एयरवेज में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी एटलीस्ट दे वर वर्किंग। सिटिंग एंड स्लीपिंग था वो जो स्ट्रेट था, इसके लिए उसमें स्क्रीन टिल्ट एंड ऑल का जरूरत ही नहीं था, स्ट्रेट फेसिंग स्क्रीन थी। देन इफ आई टॉक अबाउट द एम्बियंस ऑफ द फ्लाइट, देन डेफिनेटली थाई एयरवेज वॉज मच बेटर एंड कम्फर्टेबल। उनका जो लाइटिंग फुल उन्होंने एम्बियंस जो क्रिएट किया था वो हल्का सा पिंक कलर एंड ऑल में था, तो इट वॉज यू नो नॉट वेरी हार्श टू द आइज, तो वो बहुत अच्छा था। कैथे स्पेसिफिक वॉज वेरी प्लेन एंड नॉर्मल एंड सीट्स भी मुझे ऐसा लगा कि थाई एयरवेज वॉज बेटर कम्फर्टेबल था इन टर्म्स ऑफ सिटिंग एंड स्लीपिंग एंड जो पोजिशन आपका होता है ऐसे स्ट्रेट होने का इन यू आर फेसिंग द स्क्रीन, विच वॉज वेरी गुड इन थाई एयरवेज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द हॉस्पिटलिटी, देन मुझे ऐसा लगता है फ्लाइट कोई भी, अगर आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो या फिर इन जनरल यू नो नॉर्मली भी फर्स्ट क्लास हो गया, आप जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो इवन प्रीमियम इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली वो लोग आपको अच्छा ही हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया था कि मेरे लिए खाने में ज्यादा ऑप्शन नहीं था व्हेन वी वर कमिंग बैक हांगकांग टू इंडिया, तो खाने के लिए वेज में ज्यादातर ऑप्शन नहीं था, तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि अगर कुछ और ऑप्शन हो वेज में, यू नो करी में, तो अगर आप अरेंज कर पाओ तो देन। हाँ, वो लेट हो गया था, मेरा जनरली खाना खत्म हो चुका था उसके बाद उन्होंने, बट ही सेड के मेरे पास एक एक्स्ट्रा है इफ़ यू वांट टू टेक, बट आई वाज फुल, तो मैंने और नहीं खाया, बट एटलीस्ट ही ट्राइड, तो इट वॉज अ गुड थिंग इन कैथे स्पेसिफिक। बाकी मेन्यू एंड ऑल इट वॉज ऑल नॉर्मल जैसे होता है, यू नो बहुत ओके था। हॉस्पिटलिटी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस इन बोथ।
इफ़ यू टॉक अबाउट द सीट बेल्ट देन थाई एयरवेज में हम लोगों का जो सीट बेल्ट था वो ऐसे क्रॉस तो होता ही था और उसमें एक ऐसा भी बेल्ट था तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था बट एनीवे जैसे आपका टेक ऑफ होता है तो आप उसको खोल सकते हैं यू कैन सिट आराम से तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. कैथे स्पेसिफिक में एकदम नॉर्मल था जो नॉर्मल सीट बेल्ट होता है वो वैसे ही था इट वॉज बेटर कम्पेयर टू द थाई एयरवेज क्योंकि वो ऐसा वाला नहीं होने से आप एटलीस्ट आराम से बैठ सकते हो. नाउ लेट्स सी कि अगर आप इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप टुगेदर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कौन सा सीट बुक करना चाहिए. तो जनरली सुभाषिश और मैं क्या करते हैं हम लोग फ्रंट में जो सीट्स अवेलेबल रहती है वो ही बुक करते हैं. अभी जो कैथे स्पेसिफिक था वो हमने जाते टाइम साइड साइड किया था तो वो इट वॉज यू नो काइंड ऑफ इरिटेटिंग हम एक दूसरे को फेस भी नहीं कर पा रहे थे पूरा टेढ़ा सिटिंग था तो फिर आते टाइम इसलिए हम लोगों ने इंडिविजुअल किया तो मुझे वो ज़्यादा प्रेफरेबल लगा कि एक जो पर्सन है वो विंडो ले ले और उसके साइड में ही एक और अवेलेबल रहती है विच वॉज एम्प्टी तो वहाँ पे सुभाषिश बैठे थे. तो अगर कैथे स्पेसिफिक है तो बेटर है कि आप इंडिविजुअल दो सीट्स करो तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है. थाई एयरवेज में नेक्स्ट वॉज गुड नेक्स्ट टू यू नो सिट नेक्स्ट टू ईच अदर वॉज अ बेटर ऑप्शन. आप आराम से बात कर सकते हो आपका वो जो बीच में एक होता है आप उसको उठा सकते हो अगर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो आपको सोना है तो आपका स्ट्रेट सिटिंग है तो इट वॉज बेटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यू नो कम्फर्ट कैसा था लेग स्पेस कैसा था इन जनरल इफ़ यू टॉक अबाउट बोथ द एयरवेज देन कैथे स्पेसिफिक मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बिकॉज उनका सिटिंग टेढ़ा था तो इट वॉज काइंड ऑफ इरिटेटिंग बट कम्फर्ट लेवल वॉज अगेन सेम. बट इफ यू टॉक अबाउट द सीट डेफिनेटली थाई एयरवेज का सीट कम्फर्टनेस द सीट क्वालिटी दे हैड वॉज बेटर इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल कम्पेयर टू द कैथे स्पेसिफिक. अच्छा इफ यू टॉक अबाउट द सीट सिटिंग एंड द फूड तो जब भी आपका टिकट बुक करते हो आप इमीडिएटली या फिर थोड़े दिनों के बाद आप चाहो तो आप तभी अपना जो फूड प्रेफरेंस है वो आप वहीं पे ही दे सकते हैं. क्या प्रेफर करते हैं वेज मील नॉन वेज मील जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप मेंशन कर सकते हैं एज सून एज यू बुक द टिकट एंड इवन आपका सीट सिलेक्शन आप तभी कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू वेट कि आप लास्ट में जाके जब आपका फ्लाइट है तब आप करोगे तो वो सीट सिलेक्शन भी इमीडिएटली हो जाता है. हम लोग जनरली जैसे टिकट बुक करते हैं वो तभी में ही हम लोग ये कर लेते हैं. फूड प्रेफरेंस का ज़्यादा इतना टेंशन नहीं होता है क्योंकि एनीवेज जो उनका सेट मेन्यू आपको मिलता है उसमें से ही आपको प्रेफर करना होता है तो इट इज़ नॉट एन इशू फॉर अस. बट चाहे तो फूड का प्रेफरेंस भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो इन एडवांस. सो इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ दिस वीडियो कि व्हाट शुड बी द कंक्लूजन सो आई थिंक थाई एयरवेज इज मच बेटर ऑप्शन डिस्पाइट दे डोंट प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा पाउच यू नो एमिनिटीज इन दैट माउथ फ्रेशनर एंड लॉट ऑफ थिंग स्टिल कंपेयर टू द सीटिंग अरेंजमेंट एंड यू नो कम्फर्ट ऑल टुगेदर थाई एयरवेज इज अ मच बेटर ऑप्शन. वन थिंग विच इज एड ऑन व्हेन यू ट्रैवल विद बिजनेस क्लास तो आपको एक लॉन्च इनविटेशन मिलता है जब भी आप आपका बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं तभी आपको एक लॉन्च का एक्सेस कूपन कोड टाइप दिया जाता है देन आप उसको जाके लॉन्च का एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपके पास टाइम है यू नो एन आर और टू देन आप आराम से जाके वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं आपका जो भी काम है आप कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है. जनरली हम लोगों का जो टाइम होता है वो बहुत ऑड होता है तो सुभाषिश के वीडियो के टाइम भी होते हैं तो हमने बहुत बार आज तक लॉन्च में ही बैठ के वीडियो बनाया है. हम जैसे ही जाते हैं एक बस कोना ढूंढ लेते हैं सो दैट वहाँ पे सुभाषिश अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सके. ये हमारे लिए एक चीज़ बहुत ईजी हो जाती है. सो इन द लास्ट मुझे ऐसा लगता है जब भी आप बिजनेस ट्रैवल करते हो तो इट्सेल्फ स्पेशल होता है एक प्रीमियम फील होता है. आपको ना ज़्यादा वेट करना है आप रश में हैं आप इजीली प्रोसेस कर सकते हैं. बोर्डिंग इज ईजी आपके लिए सेपरेट गेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. एज सून एज यू एंटर द फ्लाइट आपको एक हॉट टॉवल प्रोवाइड किया जाता है एंड देन आपको यू नो बेवरेजेस जो भी आप प्रेफर करते हो कॉफी ड्रिंक्स कोहलिक नॉन अल्कोहलिक वॉट एवर द प्रेफरेंसेज ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा. अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. भाग यहाँ से तू भाग भाग जाओ. क्यों क्यों डिस्टर्ब कर रहा है. हो गया.